हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा नहीं हुआ हम सबने कुछ खोया है सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शोमिक तो इसमें फिर से आगे को ट्यूटोरियल लेकर ओनली यूज करके बना पाओगे तो क्या जरूर वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं रोज इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो क्या इसलिए विनती करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को जैसे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक देना देन यहाँ पे आप लोगों को लिरिक्स वीडियो को सिलेक्ट करना है इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है उधर से लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना तो लिरिक्स वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोग ऊपर पे यहाँ पे फोटो ऑप्शन के क्लिक के करके आप जिस फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली है तो वही आप लोगों के आप लोग एकदम लास्ट पे जाना है नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है देन आपने जिस फोटो हो सिंपली इस फोटो डबल टैप करना है देन इस तरह से खींच के इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है

ऐड करने आप लोग साइड देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फास्ट टाइमर फोर्टीन पॉइंट सेवन टू सेकेंड पर है तो यहाँ पे को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फास्ट टाइमर के ऊपर चले जाना तो गई फास्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद आप लोग तो फिर से आप लोगों को बिट मार्क को एड करना है तो इस तरह से तो इसमें से करके दिखा देता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा गाइस ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा सॉन्ग ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा खेसका यहाँ पे फास्ट बिडमार्क के ऊपर क्लिक करना है देन इस पर आ जाना है देन आप लोगों को नीचे यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये फोटो काट हो जाएगा फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बिडमार्क के ऊपर क्लिक करना है नीचे फिर से स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है फिर से नेक्स्ट बिडमार्क के ऊपर क्लिक करना है फिर से नीचे स्प्लिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है

तो इस फोटो पार्ट के ऊपर आप लोगों को यानी कि फास्ट फोटो पार्ट के ऊपर आप लोगों को एक्सप्रेट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है देन इसका जो ड्यूरेशन इसको खींच के इस तरह तो से बढ़ा लेना है ये जितना दूर हो सके इसको कर लेना तो इस तरह तो से करने के बाद आप को पे एक ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पार तो फोटो पार्ट के ऊपर आ जाओगे यानी कि नेक्स्ट फोटो के ऊपर आ जाओगे अब इस नेक्स्ट फोटो के ऊपर आप लोगों को नीचे से आप लोगों को जिटर आप इफेक्ट को सिलेक्ट करना है सेम प्रोसेस इसको खींच के पूरा फोटो तक कर लेना है यानी कि ये जितना जितुर हो सके इसको कर लेना है से यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो के ऊपर जाना है नेक्स्ट फोटो के ऊपर फिर से तो को एक फोटो के ऊपर जितना भी फोटो है लेना है जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे जिटर आपको सिलेक्ट कर लिया नेक्स्ट फोटो के ऊपर एक्सप्लेंड के बाद जिटर आपको सिलेक्ट करना है तो इस तरह से सारे फोटोज के ऊपर इन दो इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से बैक आ जाना है

देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए नीचे वीडियो और फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लीजिए तो इफेक्ट वीडियो ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा खींच करके यहाँ पे फील ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना है फिर से नीचे थोड़ा सा खींच करके ब्लैंडिंग ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है इधर से इधर से स्क्रीन को सिलेक्ट करके डन कर लेना है देन आप देख सकते हो आपका जो वीडियो या प्रिव्यू का जो सब बनकर तैयार हो जाएगा आप इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के सेव कर लेना है तो गई आज का वीडियो इतना हिम्मत करता हूं वीडियो आप लोग तो को पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल पर पढ़ने तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गए चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक बाय बाय